अरविंद केजरीवाल को बहुत ही गैर कानूनी तरीके से बदले की भावना से डर की वजह से झूठे केस में अरेस्ट किया है। ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, तो विश्व गुरु जो हमारे हैं वो भी जानते हैं। ये डर है कि केजरीवाल जी अगर हमारे साथ रहेंगे तो 2000 का चुनाव जो है वो दिनों दिन बहुत कठिन होता जा रहा है बीजेपी के लिए। तो उनको और उनके सभी साथियों को, हेमंत सोरेन जी को और भी नेताओं को, इस प्रकार से उनका जो कार्यक्रम चल रहा है तकलीफ देने का वो चलते रहेगा। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इस देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकते हैं, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है, इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं आजकल। बात रही केजरीवाल जी, अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं, केजरीवाल जी के पास पूरा बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बार वहां चुनाव लड़ी है, 5 के आगे नहीं गई है। अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं। ये एक बड़ा संग्राम है, ये बड़ा महासंग्राम है और हम मानते हैं ये देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। जेल में रहकर भी काम कर सकते हैं आपके खिलाफ। मुख्यमंत्री पद पर होना या नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना, भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने, सीबीआई ने उनको मुख्यमंत्री नहीं चुना है, तो लोगों के नेता है, लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको बहुमत दिया है, तो लोग तय करेंगे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद पर रहना है या नहीं रहना है, लेकिन हम मानते हैं केजरीवाल जी को रहना चाहिए।